नमस्कार दोस्तों, हमारे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 5 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें जो जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, थीके? तो डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ मैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फिट, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 फीट स्क्वायर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 30.35.28 क्यूबिक फीट, फिर आता है 1 इंच। ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए। ये 2.54 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 0.09 स्क्वायर मीटर, 1 एकर इज इक्वल टू 0.04 हेक्टर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.47 एकर्स, 1 CFT इज इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर, 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फिट इज इक्वल टू 0.3405 मीटर, 1 क्यूबिक मीटर टू 1000 लीटर। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे दोस्तों जो कि आपके काम में भी बताने वाले। ठीक है, जैसे कि 1 फीट इज इक्वल टू सॉरी 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ये तो आपको आसान लगता होगा। ठीक है, लेकिन 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके आगे वीडियोज़ आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जो भी आपको पता नहीं है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी 1 गैलन इज इक्वल टू 4.81 लीटर। ठीक है, 1 एकर इक्वल इक्वल टू 0.40682 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। स्टील डेंसिटी, किसी चीज़ का भी डेंसिटी आपको पूछ सकते हो। ठीक है, 7850 पर एम क्यूब होगा ये। सीमेंट का एक दो चीज़ का लिख देता हूँ, बाकी आप बुक्स में या फिर आईएस कोड की बुक जो रहते हैं हमारे, ठीक है, उसमें भी मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केजी पर एम क्यूब, जो कि हमारा पिछला सेशन चालू था। ठीक है, उसमें भी आपने इसके बारे में मैंने बताया है आपको। अभी रहेगा हमारा, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक है, जो कि आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा सवाल। ठीक है, कंप्रेशन के लिए हम डेवलपमेंट लेंथ कितना देंगे। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं।
तो हम 38D, ठीक है, 38D देंगे, इतना आप बोल सकते हैं। अगर टेंशन के लिए पूछा जाएगा तो 47-2 या फिर 60D, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो सकता है, ये सवाल भी आप मतलब सोच में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। अभी शॉर्टकट में हम देखते हैं कि रेशो के मुताबिक अगर हमें पूछा जाएगा तो ये रेशो के लिए कितना सीमेंट लगने वाला है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में देखते हैं, अगर ये पूछा है M5 के लिए कितना सीमेंट लगता है, तो 2.54 बैग, लेकिन पर M3, ठीक है, ऐसा आपको आंसर देना पड़ेगा। M7.5 अगर पूछा होगा तो उसको 3.18 बैग पर M3, ठीक है, ऐसे लिखे। M10 के लिए पूछा जाएगा, पूछा अगर तो 4.32 बैग पर M3। M20 का पूछा तो 8.64 बैग पर M3, ठीक है। M25 के लिए 12.9 बैग पर M3। M40 के लिए 500+, ठीक है, ऐसा, सॉरी, ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। ये मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको इसका, इसमें स्पेशल वीडियोस आपको बना के दूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी एक ब्रिक का वेट कितना है, ऐसा अगर आपको सवाल पूछा जाएंगे पूछा गया तो आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हो, 3.17, है ना, या फिर और 3.80 kg, ठीक है, ऐसा आप आंसर दे सकते हो। अभी ब्रिक कितना पानी पीता है, ठीक है, ये भी आपको सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है 12-15% उसका जितना वेट होगा दोस्तों, उसके वेट से मुकाबले में 12 या 15% वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आपको पूछा कितना होना चाहिए, सॉरी, स्ट्रेंथ तो 36 किलो न्यूटन, ठीक है, ऐसा बताना है आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहना चाहिए, ऐसा आपको आंसर देना है। ये एक बात और है कि ये मिलता नहीं हमें, ठीक है, अगर अच्छा क्वालिटी का, अगर एकदम बेस्ट क्वालिटी का लेगा तो ही मिलेगा शायद, लेकिन आंसर आपको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़े हट के सवाल हम ले लेने वाले जो कि बहुत ही जनरली रहते हैं और कॉमनली बहुत यूज़ किए जाते हैं, और हमें बार बार ऑनलाइन या फिर यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वो लेते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े रहने हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटी पर क्लिक करें।